गुड मॉर्निंग बच्चों, आरसे एजुकेशन अब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था, विराम चिन्ह। तो हमने हमारे साथ विराम चिन्ह पढ़ लिए और आज हमारा है उद्धरण चिन्ह की। उद्धरण चिन्ह का ऐसा होता है, इसका प्रयोग कब और कहाँ कैसे और क्यों किया जाता है। उद्धरण चिन्ह आपको दिख रहा है ऐसा, ये चिन्ह होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के किसी अंश को ज्यों का त्यों अगर हम लिखते हैं तो उसके आदि और अंत में, यानी उसके प्रारंभ में और उसके अंत में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि अगर हम किसी व्यक्ति के कही हुई बात को या हम कोई हम ऐसी रचना पढ़ रहे हैं, उस रचना की कोई ऐसी लाइन है जिसको हम हमारे जो भी रचना है हम जो भी हम लिख रहे हैं उसमें ज्यों का त्यों हमें अगर लिखा जाए तो उस रचना या उस वाक्य के पहले उस वाक्य के प्रारंभ में और अंत में इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो उद्धरण चिन्ह है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो इकहरे उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरे उद्धरण चिन्ह। कि इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है और जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो इकहरे चिन्ह है, जो इकहरे उद्धरण चिन्ह है, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति का अगर नाम आ रहा है, अगर किसी रचना का नाम आ रहा है या किसी ग्रंथ का नाम आ रहा है या किसी का उपनाम हो, आदि शब्दों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया कहाँ किया जाता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वही किया जाता है कि हमें पूरी लाइन अगर लिखनी है किसकी कही हुई बात को या कोई भी कविता का अंश हो उसका ज्यों का त्यों अगर हम लिखते हैं तो वहां पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पहले करते हैं कि इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसे गोदान प्रेमचंद जी का, गोदान ये रचना है, किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की क्या है, ये उपन्यास है तो ग्रंथ है एक तरह से, ये तो क्या है, गोदान प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है, यह प्रसिद्ध उपन्यास है। तो हमने क्या, ये ग्रंथ का नाम है तो इससे पहले और बाद में हमने जो यहां पर और यहां पर किसका चिन्ह क्या किया, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, देखो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था क्या, दिल्ली चलो, क्या कहा था भाई, दिल्ली चलो, नारा दिया था ना उन्होंने दिल्ली चलो, उनकी कही हुई बात को हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया तो इसमें कौन से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो गया, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग क्या किया जाता है। आपको सीधा सीधा, अगर आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम अगर आपको लिखना है, कवि का नाम अगर आपको लिखना है तो वहां पर आपको इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है। अगर हमें कोई पंक्ति लिखनी है, हम अगर जैसे कोई पंक्ति लिखते हैं, हमारी कोई कविता की पंक्ति है और उसको हम ज्यों का त्यों अगर हम लिखना चाहें तो उसमें हमें पहले और बाद में, आदि और अंत का अर्थ क्या होता है, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और अंत, यानी अंत, यानी कि प्रारंभ और अंत में इस दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, हमेशा गलती हो जाती है कि भाई इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहा करे और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहा करे। तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी एक शब्द के लिए होता है और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के लिए होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, आ जाना चाहिए कि हमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब कहाँ कैसे किया जाता है। इसका प्रयोग यानी कितने प्रकार के होते हैं उद्धरण चिन्ह, दो प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह,
खैरे उद्गम चिन्ह का प्रयोग, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का नाम है या किसी का उपनाम है, किसी का ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम अगर लिख रहे हैं तो वहां पर खैरे उद्गम चिन्ह का प्रयोग। अगर कोई कविता की लाइन है या कोई कहने, किसी ने अगर कोई वाक्य कहा है और उस वाक्य को ज्यों का त्यों हम लिखते हैं तो वहां पर दोहरे उद्गम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह इसके बाद में आएगा, अब है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग विवरण करते समय समय या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे जैसे गांधी जी ने तीन बातों पर बल दिया, कौन कौन सी बातें थी तीन जिन्होंने गांधी जी ने बल दिया था? सत्य, अहिंसा और प्रेम। कौन कौन सी बातें थी? सत्य, अहिंसा और प्रेम। सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये तीन बातें थी जिन पर गांधी जी ने बल दिया था। दसवा है कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है अगर वाक्य के बीच में कोई शब्द आ जाए, वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों, वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्ठक में लिखा जाता है। अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे हमारे हिंदी में आते हैं, हम लिखते हैं जैसे कै वर्ग, तो कै वर्ग हमने लिख दिया, ठीक है, तो हम इसको समझाने के लिए भी कै वर्ग में क्या क्या आते हैं हमने कोष्ठक में लिख दिया, कै, खै, गै, घै, ठीक है, तो ये क्या आ गए? ये हम इसको शब्द समझा रहे हैं कि भाई जो ये कै वर्ग होता है इसमें क्या क्या आते हैं, ये सब आते हैं। अगर इसको एक नाम से लिख दिया तो हमने कै वर्ग लिख दिया, अगर हमने इसका विस्तृत रूप लिख दिया तो यहाँ पर ये लिख दिया। अगर हम किसी का संक्षेप रूप लिख रहे हैं या फिर किसी का बड़ा रूप हम लिख रहे हैं, उसको अगर हमें संक्षेप में समझाना है तो हम ऐसे कोष्ठक में लिखकर और उसको ऐसे समझा सकते हैं, तो यहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। आए शब्दों या वही बात अथवा पदों को पृथक रूप देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है,
अगर हम कोई वाक्य या कोई शब्द है उसको हम अगर विस्तार से समझाना चाहते हैं या कोई ऐसा उसका वो है तो उसको हम कोष्टक में लिख करके और समझा सकते हैं, उसका दूसरा अर्थ लिख करके कोष्टक में और समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखो यहां चारों वेदों, अब आ गए चारों वेदों, हमने यहां पर लिख दिया। अगर हम वेदों के नाम अगर इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो हमने वेदों के नाम लिख दिए। अगर हमने ये ऐसे लिख दिए यहाँ चार वेद, चारों वेदों की महत्ता बताई गई है या महत्व बताया गया है, कि यहाँ चारों वेदों की महत्ता बताई, तो चारों वेदों को हमने किसमें लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया। तो ऐसे समझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है त्रुटि पूर्वक चिन्ह या हंस पद, कि त्रुटि पूर्वक चिन्ह कैसा होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, हंस पद होता है। इसके बारे में मैंने आपको उस दिन जिस दिन लिखवाए थे उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो त्रुटि पूर्वक चिन्ह होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है त्रुटि पूर्वक चिन्ह। त्रुटि पूर्वक चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उस वाक्य को लिखते समय अगर गलती से हमसे कोई अक्षर बीच में अगर छूट जाता है तो हम उसको सुधारने के लिए वो चिन्ह लगाकर और उसके ऊपर वो शब्द लिख देते हैं। त्रुटि पूर्वक चिन्ह या हंस पद, इसका दूसरा नाम क्या है, हंस पद। यदि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो उसको इस चिन्ह के माध्यम से लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। कई बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं कि जो अगर कोई वाक्य हमसे यानी कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द छूट जाता है ना तो उसके नीचे ऐसे करके लिखते हैं तो वो रॉन्ग होता है, बल्कि जो छूटा हुआ शब्द हो उसके ऊपर ऐसे कर निशान लगाकर और फिर उसको लिखा जाता है, वो ही राइट माना जाता है। और इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हंस पद भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रुटि पूर्वक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसे हंस पद, अगर आ जाए कि हंस पद किसे कहते हैं त्रुटि पूर्वक चिन्ह ना देकर क्या दे दे हंस पद, तो हमें घबराना नहीं है कि हंस पद और त्रुटि पूर्वक चिन्ह एक ही होते हैं। जैसे
गया, माता पिता साथ बाजार गए। अब यहाँ पर श्रेया माता पिता साथ बाजार गए, क्या छूट गया, के छूट गया, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा कर और यहाँ पर क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आप इसको अगर यहाँ ना लिख करके अगर यहाँ लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ये रोंग माना जाएगा। नीचे लिखा हुआ ऊपर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। राम श्याम के साथ पार्क में घूमने गया। अब हमने यहाँ पर कोई शब्द नहीं छोड़ा, अगर कोई शब्द छूट जाता तो हम उसको ऊपर लिख देते, ठीक है। इसी प्रकार 12वां है संक्षेप सूचक चिन्ह, संक्षेप संक्षेप सूचक चिन्ह क्या होता है, अगर कोई बड़ा शब्द है उसको हम छोटा शब्द लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसका फर्स्ट अक्षर लिखकर और उसके आगे ये चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या है, संक्षेप सूचक चिन्ह हो गया। अगर कोई शब्द है जैसे बी आर अंबेडकर, हमने बी लिख दिया उसके आगे ये लिख दिया, आर लिख दिया उसके आगे ये लिख दिया और अम्बेडकर लिख दिया, तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रकार अगर हम किसी शब्द या को छोटा रूप में लिख देते हैं तो उसका फर्स्ट अक्षर लिख करके उसके आगे ये चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, उसका संक्षेप रूप हो जाता है या छोटा रूप हो जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इस चिन्ह का प्रयोग, कि हमें कोई शब्द लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसका, कि भाई ऐसा उस शब्द का यहाँ पर लिखो, उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर इस चिन्ह को लिखकर बिंदु लगा दिया जाता है, बिंदु या ये क्या है, संक्षेप सूचक चिन्ह है, लिखकर बिंदु लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे और इसे किस नाम से जानते हैं, लाघव चिन्ह के नाम से भी जानते हैं ये, और भी लोग इस चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे बी आर अंबेडकर, जैसे हमने लिख दिया बी आर अंबेडकर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, भीमराव अंबेडकर। जैसे पंडित का हमने प लगा दिया, डॉक्टर का ड लगा के उसके ऊपर पंडित राम स्वरूप शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसके आगे जैसे कुछ भी शब्द लगा देते हैं, इसके आगे एक बिंदु लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो संक्षेप रूप हो जाता है। तो हमारे जो विराम चिन्ह हैं वो आज कंप्लीट हो गए हैं।
अगली जो कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे संधि, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।